I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. तो काफ़ी दिन से आपको व्लॉग नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी थे यहाँ पर किसी काम की वजह से, बट आपको अब रेगुलर व्लॉग्स मिलने वाले हैं, रेगुलर कार के अपडेट्स मिलने वाले हैं क्योंकि स्टॉक भी हो गया बहुत सारा और धीरे धीरे आप सबको दिखाना भी है और आप सबको गाड़ियाँ देनी भी हैं। तो एक बहुत ही स्पेशल कार खड़ी थी जो आप देख सकते हैं कितनी मैसिव लुक है इस गाड़ी की। गाड़ी का नाम है मर्सिडीज़ ML 350 CDI डीजल वेरिएंट कार है। बहुत ही शानदार कलर के अंदर है, ब्लैक कलर के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी ब्लैक बीस्ट लग रही है। इतनी ही शानदार कंडीशन के अंदर है गाड़ी और हाइट अगर आप देखेंगे तो कितनी ही ऊंची कार है क्योंकि इसके अंदर हम हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये पूरी लिफ्ट हुई है इस टाइम पे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाइट के अंदर है कार, प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं आप। 4MATIC है, 4x4 कार है ये। एक बारी गाड़ी की लुक्स के बारे में बात करते हैं एक्सटीरियर के। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं मर्सिडीज़ की ग्रिल मिल जाती है एंड मर्सिडीज़ का लोगो मिल जाता है इधर आपको। सेंटर में भी बोनेट पे आपको लोगो मिल जाता है मर्सिडीज़ बेंज का। बाकी LED फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर लैंप्स एंड DRL लाइट्स भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड अगर इस साइड से देखेंगे हम गाड़ी को तो बहुत ही साफ़ सुथरी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है कार। इधर आपको ब्लू एफिशिएंसी की बैजिंग मिल जाती है, कंपनी फिटेड अलॉयज मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर आपको। बाकी साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो स्क्रैचलेस खड़ी है गाड़ी, बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर है। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं, सनरूफ मिल जाती है गाड़ी के अंदर। इधर आपको फुट रेस्ट या फुट ट्रे भी मिल जाती है। बहुत ही मैसिव लुक है कार की, बहुत ही शानदार लगती है रोड पे चलती हुई, बहुत अच्छी अपीयरेंस है गाड़ी की। बैक में भी अगर आप देखेंगे तो आपको LED लाइट्स मिल जाती है, 4MATIC की बैजिंग मिल जाती है। इधर आपको 4x4 कार है एंड मर्सिडीज़ की बैजिंग, ML 350 CDI, ML 250 भी आती है, 350 भी आती है। ये 350 है, टॉप एंड वेरिएंट होने वाला है। पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं आपको एंड बैक कैमरा भी मिल जाता है इधर। बाकी अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है गाड़ी के अंदर आपको। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है इस गाड़ी का, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट भी हमें मिल जाता है। एंड इधर आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है गाड़ी के अंदर जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत शानदार गाड़ी रहने वाली है ये। एंड इस साइड से भी प्रोफाइल बहुत अच्छी है कार की, बाहर से ज़्यादा अंदर बहुत अच्छी फील आती है इस गाड़ी के अंदर। टायर्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर। इन गाड़ियों को जो ब्लैक कलर में अपीयरेंस आता है वो शायद ही किसी और कलर में आता हो। सेम आपको इधर भी साइड फोल्ड मिरर्स विद इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो एक बार अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं गाड़ी कितनी चली हुई है और क्या क्या फंक्शंस है गाड़ी के अंदर, क्या क्या फीचर्स हैं। गाड़ी के अंदर की भी फील बहुत अच्छी है ML की, बहुत ही प्रीमियम लुक के अंदर आती है कार, नई शेप के अंदर है ये। मतलब इससे पहले भी ML क्लास आती थी, ओल्ड शेप आती थी, बट ये नई शेप के अंदर है। एंड डोर पे आप देख सकते हैं मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं एंड लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, बूट खोलने का बटन मिल जाता है इधर आपको, पावर विंडोज़ के बटन मिल जाते हैं। बाकी प्रॉपर लेदर फिनिश्ड के अंदर आप देख सकते हैं ये पैनल भी एंड ये पैनल भी प्रॉपरली लेदर फिनिश्ड है। बाकी आप डोर पैनल पे देख सकते हैं आपको इधर स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड ऊपर ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। हमन कार्डन का कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम होता है इस गाड़ी के अंदर, बहुत ही अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है म्यूज़िक सिस्टम इस गाड़ी का।
बाकी एक बार ये अंदर से आपको दिखाता हूँ स्टेयरिंग व्हील के ऊपर आपको क्या क्या मिलता है। अंदर से भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम फिनिश के अंदर डैशबोर्ड है कार का। स्टेयरिंग व्हील की कंडीशन देख के आपको पता चल जाएगा गाड़ी बहुत ही मेंटेन्ड है एंड कुछ भी घिसा हुआ नहीं है स्टेयरिंग व्हील के ऊपर बटन्स पे भी, तो बहुत ही मेंटेन्ड कार है। स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको इधर, पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर हमारे को। गियर की बात करूँ तो गियर नॉब आपको इधर राइट साइड में हाथ में मिलती है ऊपर, एंड इधर आपको क्रूज़ कंट्रोल का बटन मिल जाता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर आपको, एंड इधर आपको राइट साइड पे लाइट्स ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है। कि एसी भी बहुत चिल्ड है कार का, बहुत ही अच्छी कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी सेंटर में आपको एयरबैग मिल जाता है एंड आप मीटर पे देख सकते हैं कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं है। एंड 52,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है कार, सिर्फ 52,000 इनके लिए कुछ भी नहीं होता। एंड इधर से भी देखेंगे तो कंपनी फिटेड एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है आपको, जिसको आप इधर से जॉयस्टिक से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इधर आपको सीडी डालने के लिए मिल जाता है एंड कंट्रोल्स करने के लिए सारे बटन मिल जाते हैं। पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए भी बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन का बटन मिल जाता है इधर आपको। क्लाइमेट कंट्रोल एसी के लिए भी यहाँ पे आपको पैनल मिल जाता है, यहाँ से आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। बाकी इधर आप देखेंगे तो दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं आपको एंड ऐश ट्रे एंड लाइटर भी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और बात करूँ तो स्पोर्ट्स और कम्फर्ट मोड भी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, 4x4 के लिए भी मिल जाता है, हिल कंट्रोल भी मिल जाता है। तो एयरमैटिक के लिए बटन भी इधर मिल जाता है। ML 350 में एयरमैटिक मिलता है आपको, ML 250 के अंदर एयरमैटिक सिस्टम नहीं मिलता। कि नॉब से आप एंटरटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सेंटर में कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है हमारे को। बैक में भी आप देख सकते हैं क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है आपको इधर। अगर सेफ्टी पर्पज़ से बात करूँ तो स्टेयरिंग व्हील पर आपको एयरबैग मिल जाता है, डैशबोर्ड पर मिल जाता है, पिलर्स पर आपको एयरबैग मिल जाता है, सारे पिलर्स पर एयरबैग मिल जाएगा आपको। बाकी वुडन पियानो फिनिश के अंदर डैशबोर्ड है, बहुत ही प्रीमियम लुक है। आप देखोगे तो डोर्स पे एंड बैक में भी आप देखोगे तो पूरी एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है कार के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। बैक कैमरा भी आपको इस कार के अंदर मिल जाता है विद पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर एंड पीछे आपको बैक पार्किंग सेंसर मिलेगा। प्लस इधर कार भी बनी हुई आ रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं अगर कुछ आगे पीछे आएगा तो आपको पता चल जाएगा, तो सेफ्टी पर्पज से भी बहुत अच्छी है। अगर सनरूफ की बात करूँ तो बहुत ही मैसिव सनरूफ मिल जाती है गाड़ी के अंदर, बहुत बड़ी गाड़ी है तो सनरूफ भी इसकी नेचुरली बहुत बड़ी ही है एंड कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है कार के अंदर। बहुत ही अच्छी मेंटेन्ड कार है ये, इधर आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है एंड स्पेशियस तो बहुत ही ज़्यादा है ये कार एंड बूट स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा है इस गाड़ी के अंदर। बाकी लेदर सीट कवर्स की कंडीशन से आपको पता चल रहा होगा गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मेंटेन्ड है। ऊपर ही पीछे चलते हैं और बताता हूँ आपको पीछे कितनी स्पेस है। पीछे अगर आप अपने डोर पैनल पे देखेंगे तो आपको लेदर फिनिश्ड डोर पैनल मिल जाता है, पूरा लेदर स्टिच्ड है, बहुत ही प्रीमियम लुक है कार की। एंड पियानो फिनिश के अंदर आपको डोर हैंडल के साइड पे जो पैनल मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हैं नीचे आपको स्पीकर्स एंड ट्विटर्स भी मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो बहुत ही शानदार गाड़ी है। वैसे तो आप लेदर सीट कवर्स के अंदर से कंडीशन देखेंगे तो स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक के अंदर है लेदर सीट कवर्स। पीछे भी आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, बहुत ही अच्छी कूलिंग है कार की। इधर सेंटर में भी मिल जाता है, पिलर से भी मिल जाता है गाड़ी के अंदर आपको, एंड ऊपर से भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हेड रूम एंड बहुत ज़्यादा लेग रूम मेरे को मिल रहा है नॉर्मली चेयर के ऊपर। सेंटर में आपको दो कप होल्डर्स भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। बाकी एक बार ही मैं आप बाहर चल गया आपको इसका एयरमेटिक चला के दिखाता हूँ एंड फिर बोनेट खोल के दिखाऊंगा कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी लगभग कार बहुत ज़्यादा लिफ्टेड हुई हुई है, तो एक बारी मैं इसको आपको डाउन करके दिखाता हूँ एंड जो बटन मैंने आपको बताया था अगर एक बारी हम उसे प्रेस करेंगे, सिंगल टाइम प्रेस करना है एंड आप देखेंगे तो धीरे धीरे कार लोअर होने लग जाएगी। पहले फ्रंट से होती है एंड फिर बैक से धीरे धीरे पूरी कार लोअर होने लग गई है, तो काफ़ी फ़र्क आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो लोअर एंड अपर के अंदर। तो अब ये लोअर हो चुकी है, पहले राइज पोजीशन के ऊपर थी, तो बहुत ही फ़र्क आ जाता है इसके अंदर भी। तो कार के अंदर सब कुछ प्रॉपरली वर्किंग है, कुछ भी ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो आपको गाड़ी लेने के बाद हो। तो गाड़ी की अगर बात करूँ तो देख सकते हैं आप DRL प्रोजेक्टर वगैरह एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली एंड फाइन। 3500 cc का V6 इंजन है, बट आप अगर आवाज़ की बात करेंगे तो आपको बाहर बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आएगी गाड़ी की, क्योंकि बिल्कुल साइलेंट और मेंटेन्ड कार है विद कंपनी रिकॉर्ड है गाड़ी।
52,000 चली हुई है, सिंगल ओनर है, यूपी नंबर है गाड़ी। एक बार मैं बोनट खोल के दिखाता हूँ गाड़ी का आपको, तो आप बोनट की अंदर की कंडीशन भी दे सकते हैं। V6 की बैजिंग मिल जाती है आपको एंड मर्सिडीज का लोगो भी मिल जाता है इसके ऊपर आपको। बहुत ही शानदार कंडीशन के अंदर है कार, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे था वैसे ही मैंने दिखाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेंटेन कार है। एंड आप बोनट की कंडीशन भी देख सकते हैं, बिल्कुल ही ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है कार, 100% नॉन एक्सीडेंटल। तो मैं दोबारा से डिटेल्स पे आता हूँ, ये 2012 मॉडल है, सिंगल ओनर है, यूपी नंबर है, ML350 CDI डीजल कार है, 52,000 चली हुई है। गाड़ी में एक रुपये का भी काम खर्चा नहीं है, सिर्फ डीजल डलाना और चलाना है। सर्विस भी अभी कंपनी से होके आई हुई है कार की, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मज़े करने हैं और गाड़ी चलानी है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ इसकी, तो इसका प्राइस हमने रखा है 17,45,000 रुपीज़, विच इज़ नेगोशिएबल प्राइस। इतनी बड़ी मर्सिडीज़ जो लगभग 60 से 65 लाख रुपए की आती थी, वो आप 17,45,000 रुपए में नेगोशिएबल प्राइस के अंदर आप अपनी डील क्लोज करवा सकते हैं। गाड़ी को बुक कराना चाहते हैं बुक करवा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप अपने घर मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इंजन, गियर, सस्पेंशन, एवरीथिंग इज परफेक्टली ओके। और अगर NOC की बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया की NOC भी आपको मिल जाएगी गाड़ी की। एंड अगर इस गाड़ी की आप पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर cardeal.nsp के ऊपर आपको इस गाड़ी की पिक्चर्स विद डिटेल्स मिलने वाली हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी डील्स देखने के लिए, एंड बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी गाड़ी का अपडेट आए तो आपको सबसे पहले पता चले। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।